मेरे गांव में कल शाम को एक लड़की की छेड़छाड़ का केस हुआ था, वो थाने गए। थाने जाने पर उस पर मुकदमा मतलब NCR दर्ज की गई, लेकिन NCR दर्ज हुई उस पर गाँव का ही है गुंडा प्रजाति का लोग है, लेकिन वो नेतागिरी ज़्यादा करता है। उस वो 50 रुपये को करा रहा था। ये छेड़छाड़ की दोनों पक्ष एक मुस्लिम है एक हिंदू, जो है वो सुबह को पंचायत करा रहा था, लड़की वाले पक्ष पे दबाव बना रहा था आप जो इनको राजीनामा दो, लेकिन लड़की का पक्ष नहीं माना। ना मानने पे हमारा भाई पहुंचा वहाँ ताऊ लड़का, वहाँ पीटा, उसने मना किया है, वहाँ पीटा पुलिस के सामने, पुलिस मौजूद की थी लेकिन वहाँ कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे बाबा को पुलिस के सामने हाईवे पे अब बताओ तो नहीं था अत्याचार हो रहा खुलेआम हो रहा उस परिवार का वो की लड़की नहीं थी, वो दबाव मतलब वो कह रहा था हम थाने जाएंगे, लेकिन कह रहा था राजीनामा होगा जबरदस्ती कराएंगे भाजपा सरकार में। सुबह कपसेड़ा गांव पड़ता है ये नेशनल हाईवे पे, तो सुबह एक सूचना मिली थी कि सर यहाँ पे झगड़ा हुआ है, तो वहाँ पे तुरंत हमारी डायल 100 और दरोगा जी थाने से संतोष कुमार तुरंत पहुँचे। मौके पे जाके देखा तो ये पता लगा था कि साहब एक बीरे शर्मा वहाँ पे हैं, तो उनको कुछ लोगों ने पिटाई उनकी मतलब उनके साथ मारपीट की है, और उसके बाद वो लोग थोड़ा आक्रोशित हो गए थे, तो उसके बाद पुलिस पहुंच गई, पुलिस उनको तुरंत जो है दोनों को अलग अलग करके और बीरेश शर्मा को थाने ले आ रहे थे। उसके बाद फिर बीरेश शर्मा के पीछे एक गाड़ी से और लोगों को ले आया जा रहा था, तो उन्होंने किसी एक वहाँ पे गांव के किसी एक आदमी के साथ और मारपीट कर दी, तो थोड़ा सा स्थिति तनाव बन गया था, लेकिन उसको पुलिस द्वारा संभाल लिया गया। मैं भी मौके पर पहुँच गया पुलिस फोर्स लेके और स्थिति को संभाल लिया, और कोई ऐसी बात नहीं होने दी, सबको वापस उनके घरों को भेज दिया गया है और दोनों पक्षों को थाने लिया है, और उनके द्वारा उनसे तहरीर ली जा रही है, तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया जाएगा।